नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं मेरे चैनल एप्स कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो का जो शीर्षक है उसे आपको पता चल ही जाएगा कि ये अक्टूबर महीने का जो पहला हफ्ता है यानी कि पहले सप्ताह का जो करंट अफेयर्स है वो है, और इसे मैंने हिंदी में डाला और आगे भी मैं जितने भी हफ्ते हैं उनके जो करंट अफेयर्स उनको मैं हिंदी में ही डालूंगी। और इस ये जो पूरा करंट अफेयर्स उसे मैंने प्रश्नोत्तर के रूप में इसमें शामिल किया है। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो प्रश्न वो यह है कि हाल ही में कौन सा राज्य दुर्घटना में सहायता करने वाले लोगों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना। तो ये राज्य है कर्नाटक। और ये जो इस तरह की जो सहायता मतलब कानूनी सुरक्षा प्रदान करने वाले जो या फिर जो भी सहायता करने वाले लोग हैं उन्हें कानूनी रूप से पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए ये जो कदम उठाया गया ये वाकई में कह सकते हैं कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि कई बार लोग होता है कि जब कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो लोग उसकी सहायता करने से उनको कहीं ना कहीं एक हिचक हो जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी कानूनी जो दांव पेच है किसी इस तरह की जो प्रक्रिया होती है पूरी इसमें कहीं वो फंस ना जाए उसमें, तो इसी डर से कई बार लोगों की जो सहायता है वो करने से पीछे हट जाते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो कर्नाटक राज्य है उन्होंने एक इस तरह का एक कदम उठाया है। तो चलिए फिर अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं कि मस्कट में होने वाले एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2018 में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो इसका प्रतिनिधित्व करेंगे मनप्रीत सिंह। और एक चीज और बता देना चाहती हूँ यहाँ पर कि जो ये जो एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2018 है वो 18 से लेकर 28 अक्टूबर तक चलेगा। और तो चलिए फिर अगला जो प्रश्न वो देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सानिया रिचर्ड्स रोस एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन के इवेंट एम्बेसडर होंगी, वे किस देश से हैं। तो वो कौन से देश हैं, तो वो है अमेरिका से। और सब कुछ चीज़ें और जान लेते हैं हम सानिया रिचर्ड्स रोस के बारे में कि ये 4 बार ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले एथलीट हैं और इन्होंने जीता है। और ये ओलंपिक के अलावा 7 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं जिनमें कि 5 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। तो चलिए फिर जो अगला प्रश्न है वो हम देखते हैं कि हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है। तो जो हाल ही में जिन्हें महानिदेशक नियुक्त किया गया है आरपीएफ का, उनका नाम है अरुण कुमार। और जो आरपीएफ का आदर्श वाक्य है वह है सेवा व वफादारी। फिर हमारा जो 5वां प्रश्न है वो यह है कि हाल ही में भारत के किस शहर में फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया गया। तो वो शहर है कलकत्ता, यानी कि अभी जिसका नाम कोलकाता कहा जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है। तो इसे जो जो भी आपदा आने वाली है उसे जो कई बार हो हम देखते हैं कि आप जब भी इस तरह की बाढ़ है इस तरह कोई आपदा आती है तो उससे बहुत ही जो कहते हैं जान माल की क्षति होती है, उस क्षति को या उस नुकसान को कम करने में बहुत ही ये जो सिस्टम है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसे लॉन्च किया गया है। फिर अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कौन सी अल्कोहल नियंत्रण पहल शुरू की है। तो इसका जो आंसर है वो है सेफर। और फिर जो हमारा अगला प्रश्न वो है कि अंगटाड के ताज़ा रिपोर्ट व्यापार व विकास रिपोर्ट में 2018 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान कितना रखा गया है। तो वो अनुमान कितना है, तो वो है 7.0% का, यानी कि 7% का है। तो चलिए फिर अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न वो यह है कि भारत में पहले AICT ट्रेनिंग एंड लर्निंग एकेडमी की स्थापना किस शहर में की जाएगी। तो इसका जो उत्तर है वो है जयपुर। और यहाँ AICT का फुल फॉर्म भी जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो वो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और ये जो एकेडमी है जिसे अटल एकेडमी कहते हैं, यानी कि AICT ट्रेनिंग एंड लर्निंग एकेडमी जो है वो जो अभी जैसे कि ये जयपुर में जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये शुरुआत हुई है इसकी होगी, और इसके बाद अगले 3 वर्षों में ये अटल एकेडमी और किन किन जगहों पे खोली जाएगी। तो इसके वो होगी केरल में किस जगह पे, तो वो तिरुवनंतपुरम में, उसके बाद फिर गुवाहाटी जो कि आसाम की राजधानी है वहाँ पर, उसके बाद फिर बड़ौदा जो कि गुजरात में है वहाँ पर ये अटल एकेडमी की जो स्थापना है वो की जाएगी। फिर हमारा जो 9वां प्रश्न है वो यह है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया। तो वो किया गया गीता गोपीनाथ को, और वो किनकी जगह लेंगी, तो वो जगह लेंगी मॉरिस ऑब्स्टफील्ड की।
माफ कीजिएगा, इनका नाम मॉरिस ओब्स्ट फील्ड है उनका, जिनकी जगह जो गीता गोपीनाथ हैं वो लेंगे। फिर अगला प्रश्न हमारा कि 17वीं शताब्दी का ऊंट कदल पुल हाल ही में सुर्खियों में रहे पुल किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो उत्तर है वो जम्मू कश्मीर। और कुछ और बातें इस पुल के बारे में कि यह 17वीं सदी का एक मुगल कालीन पुल है और माफ कीजिएगा, इसे हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में के रूप में से कह सकते हैं कि मान्यता मिली है, यानी कि इसमें वो शामिल हुआ है। और जर्मनी ने इसके संरक्षण के लिए 32 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई, क्योंकि ये जो पुल है वो काफ़ी जर्जर अवस्था में होगी और इसकी जो स्थिति है वो सुधारने बहुत जरूरी है, इसे संरक्षण प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी जो जो पुल है उसका फिर से सही ढंग से उसको बनाया जाए, उसका निर्माण किया जाए। तो चलिए फिर अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं कि अगला जो प्रश्न हमारा कि संपीड़ित बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में कौन सी पहल लॉन्च की है, तो इसका जो उत्तर है वह है सतत। और सतत का फुल फॉर्म क्या है वो भी हम जान लेते हैं, तो सतत का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। फिर जो अगला प्रश्न है वो हम देख लेते हैं कि राष्ट्रव्यापी ग्राम पंचायत एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट की शुरुआत किस शहर से की गई है, तो वो शहर है ग्वालियर। और फिर हम कुछ और बातें जो है वो हम जान लेते हैं। और अच्छा, उसके बाद जो हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि गायों के लिए मंत्रालय स्थापित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बनेगा, तो इसका जो उत्तर है वो है मध्य प्रदेश। और गौ मंत्रालय जो है वो जो जगह लेगा वो किसकी जगह लेगा, तो वो जगह लेगा मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड का। और इसके पहले ये जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, इसके पहले जो ये मंत्रालय है गौ मंत्रालय ये स्थापित की जाएगी, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों की जगह लेगा मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड का। और इसके पहले ये जो गौ मंत्रालय है वो कहाँ पे इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है, तो वो हुई है राजस्थान में। तो चलिए फिर अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो यह है कि युवा ओलंपिक खेल 2018 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे, तो वो होंगे मनु भाकर। और ये तीसरा जो ये जो युवा ओलंपिक खेल है वो तीसरा युवा ओलंपिक खेल है और ये कहाँ पे होगा, तो ये होगा अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना में किस जगह पे, तो वो होगा बुएनोस एयरेस में। फिर जो हमारा अगला प्रश्न वो हम देखते हैं कि 2018 में फिजियोलॉजी अथवा औषधि में नोबेल पुरस्कार जम्पेस एलिसन तथा तासुको होंजो को किस कैंसर थेरेपी की खोज के लिए दिया गया है, तो इसका नाम है इम्यूनोथेरेपी 2। फिर हमारा जो 16वें नंबर का प्रश्न है कि सिडबी ने युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये कार्यक्रम कौन सा है, तो इसका नाम है उद्यम अभिलाषा। तो चलिए अगले स्लाइड पर कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में IBSAMAR यानी कि IPSAMAR 2018 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास किस देश में शुरू हुआ, तो ये देश कौन सा है, तो ये देश है दक्षिण अफ्रीका। और ये कहाँ पर होगा दक्षिण अफ्रीका, ये होगा सीमेस टाउन में। और इनमें कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं, तो इनमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, ये तीनों देश इसमें भाग ले रहे हैं। तो चलिए फिर अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस कब मनाया जाता है और इसमें 2018 की जो थीम थी वो क्या थी, तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस जो है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2018 में इसकी जो थीम थी वो थी सेलिब्रेटिंग ओल्डर ह्यूमन राइट्स चैंपियंस। फिर 19वें नंबर का हमारा जो प्रश्न है वो यह है कि GST के तहत आपदा कर के लिए मंत्री समूह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये किया जाएगा सुशील मोदी का। और ये आप सभी जानते हैं कि ये बिहार के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वहाँ के वित्त मंत्री भी हैं, तो ये इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा। फिर अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ, तो इसका जो उत्तर है वो है नई दिल्ली। फिर 21वां जो प्रश्न होता है हमारा वो ये है कि हाल ही में किस महिला ने भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार, जो 2018 के जो नोबेल पुरस्कार हुए हैं उन वो भौतिक शास्त्र में किस महिला ने जीता है, तो वो जीता है डोना स्ट्रिकलैंड ने। और कुछ और बातें हम जान लेते हैं इस नोबेल पुरस्कार के बारे में कि ये डोना स्ट्रिकलैंड वो किस जगह से बिलोंग करती हैं, किस जगह से हैं, तो वो है कनाडा से। और जो ये जो पुरस्कार मिला है भौतिक शास्त्र में, उसमें सिर्फ डोना जो
जो डोना स्ट्रिकलैंड है उन्हें अकेले नहीं बल्कि उसके साथ साथ आर्थन एशकिन जो कि अमेरिका है और गोराई मोरो जो कि फ्रांस के हैं उन सबको सम्मिलित रूप से ये पुरस्कार मिला है। तो चलिए फिर जो अगला प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि तीसरे पैरालंपिक एशियाई खेल 2018 में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे। तो इसका जो उत्तर है वो है थांगवलु मरियप्पन। और कुछ और बातें हम जान लेते हैं जो तीसरा पैरालंपिक एशियाई खेल है उसके बारे में कि ये कहाँ पर होगा। तो ये 6 से 13 अक्टूबर यानी कि 6 तारीख से ये शुरू हो चुका है। और ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, तो वो किया गया है जकार्ता इंडोनेशिया में। फिर जो अगला प्रश्न है वो हम देख लेते हैं कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है। तो वो जीता है रेलवे मंत्रालय ने। और ये इन्होंने जो 2017 में स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया था इसके लिए उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। फिर अगला जो हमारा प्रश्न है वो यह है कि एशियाई विकास बैंक ने पश्चिम यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पश्चिम बंगाल के किन जिलों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए $240 मिलियन का समझौता किया है। तो वो कौन कौन से जिले हैं, तो वो है नॉर्थ 24 परगना, बांकुड़ा और पूर्व मेदिनीपुर यानी कि ईस्ट मेदिनीपुर। और फिर जो 25वां हमारा जो प्रश्न बनता है वो यह है कि हाल ही में स्वच्छ कैंपस रैंकिंग 2018 में किस सरकारी विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है। तो इसका जो उत्तर है वो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। फिर और रोहतक आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में पड़ता है। तो चलिए फिर अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं कि किस महिला वैज्ञानिक ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2018 जीता। तो इसका जो उत्तर है वो है फ्रांसिस अर्नाल्ट। और कुछ और बातें हम जान लेते हैं। तो जो फ्रांसिस अर्नाल्ड है जिनका वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो किस जगह से हैं, किस देश से हैं, तो वो है अमेरिका से। और इसके साथ ही साथ इन्हें ये जो पुरस्कार मिला है वो मिला है जो एंजाइमर का जो श्रमिक जो माफ कीजिएगा क्रमिक विकास है उसके लिए। और इनके साथ साथ और भी कुछ जो वैज्ञानिक हैं उन्हें मिला है, उनमें हैं जॉर्ज पी स्मिथ जो कि अमेरिका के हैं, और उसके साथ ही साथ ग्रेगोरी पी विंटर जो कि ब्रिटेन के हैं। इन सबको सम्मिलित रूप से ये पुरस्कार मिला है। और इनाम की जो राशि है उसमें जो जो है वो क्या है, वो है 7,70,000 ब्रिटिश पाउंड। और इसकी जो आधी राशि है वो फ्रांसिस अर्नाल्ड को दी जाएगी और आधी राशि बाकी जो दो वैज्ञानिक हैं उनको उनमें वितरित की जाने का किया जाएगा। और फिर चलिए अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं कि तो हम जो हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व आवास दिवस 2018 की थीम क्या है और नगर पालिका और तो इसका जो थीम है वो है नगर पालिका ठोस कचरा प्रबंधन। और विश्व आवास दिवस मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। तो चलिए फिर अगला जो प्रश्न हम देखते हैं कि हाल ही में इराक का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो वो चुना गया है बरहम सालिह को। फिर हमारा जो अगला प्रश्न वो है कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन की पहली सभा का आयोजन किस शहर में किया गया, तो इसका उत्तर है नई दिल्ली। फिर हाल ही में 31वां ऑल इंडिया रेलवे चेस टूर्नामेंट 2018 किस शहर में शुरू हुआ, तो वो शुरू हुआ तिरुचिरापल्ली में। और उसके बाद फिर अगला जो इसमें जो भी चैंपियन होगा यानी जो भी इस ये जो ऑल इंडिया रेलवे चेस टूर्नामेंट है उसे उसमें जीतेगा वो प्रतिनिधित्व करेगा रेलवे का, जो नवंबर महीने में जो नेशनल जो चेस टूर्नामेंट होने वाले हैं उसमें। तो चलिए फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व के सबसे बड़े गुंबद का उद्घाटन किस देश में किया गया, तो वो किया गया भारत में। और भारत में किस जगह पे, तो ये किया गया पुणे के लोनी कालभोर में जो महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के कैंपस में। और ये कौन सा जगह, ये पुणे के लोनी कालभोर जो कि महाराष्ट्र में है यानी कि पुणे महाराष्ट्र में आप जानते हैं। तो ये कौन से इंस्टीट्यूट में किया गया, तो ये किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के कैंपस में। फिर अगला जो प्रश्न है वो यह है कि सहयोग HOPTACC यानी कि हॉप टैक 18 का आयोजन भारत तथा अन्य किस देश के बीच किया गया, तो वो किया गया वियतनाम और भारत के बीच में। फिर हमारा अगला प्रश्न है वो यह है कि किस गायनोकोलॉजिस्ट ने नोबेल शांति पुरस्कार 2018 जीता, तो वो जीता है डेनिस मुकवेग ने।
और उनके साथ साथ नादिया मुराद को भी सम्मिलित रूप से यह जो जो गायनोकोलॉजिस्ट की जो कैटेगरी उसमें जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वो उसमें नादिया मुराद भी है। उसके फिर अगला प्रश्न है कि किस आईआईटी ने एकेडमी ऑफ लीडरशिप स्थापित करने का निर्णय किया है, तो इसका जो उत्तर है वो है आईआईटी खड़गपुर। फिर जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो हम देखते हैं कि हवाई यात्रा को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने किस पहल को शुरू करने का निर्णय लिया है, तो ये जो पहल है वो है डीजी यात्रा। इसमें बिना किसी परेशानी के जो पूरी यात्रा है वो पेपरलेस की जाएगी। फिर अगला प्रश्न हमारा कि हिरासत में महिलाएं तथा कानून तक पहुंच पर क्षेत्रीय समन का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया, तो वो किया गया इसका जो क्षेत्रीय जो ये जो आयोजन किया वो कहाँ किया गया, तो वो किया गया शिमला में। फिर हमारा जो अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया में सुनामी और बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, तो ये जो ऑपरेशन है इसका नाम है ऑपरेशन समुद्र मैत्री। फिर 38वां जो हमारा प्रश्न है वो है कि चौथे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव 2018 की थीम क्या है, तो वह बदलाव के लिए विज्ञान। फिर हमारा 39वें नंबर का जो प्रश्न है वो यह है कि भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में पहले विश्व कौशल केंद्र की स्थापना के लिए $150 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक। फिर सफाईगिरी शिखर सम्मेलन व पुरस्कार 2018 में सबसे स्वच्छ धार्मिक स्थान किसे घोषित किया गया है, तो वो किया गया है माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल जम्मू कश्मीर को। तो चलिए फिर कुछ और बातें हम जान लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो यह है कि 10वें द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी तथा सम्मेलन इंडिया फेम 2018 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो इसका जो उत्तर है वो है मुंबई में। फिर 42वें नंबर का हमारा जो प्रश्न है वो यह है कि ई पेमेंट प्रणाली के एडॉप्शन के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये इसका स्थान है 28वां। और चलिए फिर अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं कि विश्व अध्यापक दिवस 2018 की थीम क्या है, तो इसका जो थीम है वो है शिक्षा के अधिकार का अर्थ है एक क्वालिफाइड अध्यापक का अधिकार। और विश्व अध्यापक दिवस मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। फिर उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का प्रमुख सांख्यिकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है प्रवीण श्रीवास्तव को। तो चलिए फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मेथनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम को किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो वो किया गया असम में। फिर 46वें नंबर का प्रश्न बनता है हमारा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण सम्मेलन भारत का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो वो नियुक्त किया गया पंकज शर्मा को। फिर 47वें नंबर का हमारा जो प्रश्न है वो यह है कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस की कार्यकारी समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया विक्रम लिमाय को। और भारतीय क्षेत्र के राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है गुवाहाटी में, जो कि असम की राजधानी है। फिर हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये कि वामपंथी उग्रवाद का सामना करने के लिए किन राज्यों के पुलिस बलों ने एकजुट होकर कार्य करने का निर्णय लिया है, तो वो दो राज्य है ओडिशा और आंध्र प्रदेश। फिर 50वें नंबर का हमारा प्रश्न है कि आरबीआई की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति स्टेटमेंट में वर्तमान रेपो दर कितनी है, तो वो है 6.5% की। फिर जो 51 नंबर का हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि सिगरेट पर पैकेट पर बड़ी चित्र युक्त चेतावनी छापने के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है इसमें 5वां। और इस बारे में कुछ और बातें हम जान लेते हैं कि इसमें जो सबसे तिमोर लेस्ते जो है उसमें सबसे बड़ी जो सिगरेट का पैकेट में सबसे बड़ी चेतावनी छपी रहती है। और उसके बाद भारत में जो है वो जो चेतावनी छपी होती है वो करीब 85% के में छपी होती है, यानी कि जो पैकेट है उसका 85% भाग उस चेतावनी से उससे संबंधित रहता है। तो और वो जो इमेज होती है, जो पिक्चर होती है, जो चित्र होती है, वो उसके 85% भाग उसके पैकेट पे रहती है। और कुछ और देशों के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला जैसे कि मैंने बताया वो है तिमोर लेस्ते, उसके बाद है नेपाल, उसके बाद वानुलु न्यूजीलैंड, और उसके बाद जो बारी आती है वो होती है भारत की। तो चलिए फिर अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है और वो ये है कि हाल ही में किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा योजना लॉन्च की, तो ये राज्य कौन सा है, तो ये राज्य है ओडिशा।
तो इसी आशा के साथ कि आप लोग को आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए फिर मैं इसके साथ आप सबसे विदा लेना चाहती हूँ, तो धन्यवाद।